नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल SS Autopia। दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं हीरो होंडा कोई भी बाइक हो उसका हम जो ये लॉक की है उसको कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में। जैसे हमारा लॉक भी सही है लेकिन चाबी कोई भी लग जाता है तो इस करके बाइक चोरी होने का डर रहता है। तो दोस्तों, इस की को बदलने के लिए हमें क्या क्या करना होगा ये आज हम आपको बताएंगे और कैसे इसको चेंज करते हैं उसको हम आज बताएंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ये बता रहे हैं कैसे ये लॉक की हम चेंज करेंगे। तो ये जो की है ये बिल्कुल ही खराब हो चुका है, बिल्कुल टिक टिक की आवाज़ नहीं आ रही है, कोई काम नहीं करता है, तो इसको आज हम चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं ये जो पूरा कवर जो है आगे का हेडलाइट इसको हमें खोलना पड़ेगा। ये जो साइड में आप देख सकते हैं ये 10 नंबर की एक बोल्ट लगा हुआ है और साइड में दूसरे साइड भी लगा है और दो स्क्रू नीचे की तरफ है। इसको खोलकर हम और इसके बाद आपको आगे बता रहे हैं क्या करना है। चलिए इसको खोल लेते हैं। अब देख सकते हैं हमने ये चारों नट और स्क्रू खोल दिए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं ऐसे। ये हमारा ये जो हेडलाइट है ये निकल चुका है। अब हमें करना क्या है, आप देख सकते हैं ये की के नीचे ये हैंडल के बगल में ये छोटा छोटा जो 8 नंबर का नट लगा हुआ है दोनों साइड, इसको हम खोल देंगे। खोल कर ये पूरा हम सेटी बाहर निकाल देंगे। अगर ये अगर बाहर नहीं निकालते हैं तो इसको इसका नट की का नट टाइट करने के लिए बहुत ही कठिनाई होगी। तो इससे अच्छा है हम ये दो बोल्ट खोलकर और इसको निकालकर आसानी से की टाइट कर सकते हैं। चलिए इसको हम खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने ये छोटे छोटे दोनों बोल्ट खोल दिए हैं। खोलकर अब इसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे। आप देख सकते हैं हमने ये जो बोल्ट खोल दिया है अब इसको हम ऊपर की तरफ ऐसे खींचेंगे तो ये हमारा ये निकल जाएगा। आप देख सकते हैं ये आसानी से ये निकल गया। ये जो हमारा की है बिल्कुल ही बाहर आ गया। आप देख सकते हैं ये चाबी जो है लॉक की ये बाहर आ चुका है। अभी जस्ट इसके नीचे हम देखेंगे तो एल की बोल्ट होगा। आपको दिखा देते हैं कौन सा बोल्ट है। आप शायद आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो हमारा एल की बोल्ट है, इसमें एल की लगेगा। तो एक इधर और एक दूसरे साइड भी दो एल की टाइट होता है तो इसको हम एल की के सहारे टाइट कर खोल देंगे। खोलकर ये खोलने के बाद ये हमारा की बाहर आ जाएगा। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं ये 10 नंबर का एल की है, इसके सहारे ही हम ये बोल्ट खोलेंगे। ये जो नट है इसको खोलेंगे इस तरह लगाकर और इसको हम खोल देंगे। इसी तरह दूसरे साइड भी यही लगेगा। इसको लगाकर दोनों हम नट इसको एल के सहारे खोल देंगे। ये खोल देने के बाद हमारा की जो लॉक है वो बाहर निकल जाएगा। चलिए दोस्तों इसको हम खोल देते हैं। आप देख सकते हैं ये जो एल की यही एल की नट है जो हम इसको खोले थे। आप देख सकते हैं इसको ऐसे लगाकर इसको खोला जाता है। इसी तरह दूसरे साइड भी यह है इसी तरह का नट, तो दूसरे साइड भी हम खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं दूसरे साइड का भी हमने एल की ये खोल दिया है। खोलकर अब हम लॉक की बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं ये लॉक की का ये होल्डर है, प्लग है, जिसको हम ये पॉइंट जिसको हम यहाँ से थोड़ा सा टच करेंगे तो ये दाब कर हम इसको बाहर ऐसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये बाहर निकल चुका है ये दोनों का। अब दूसरा अब की हम बाहर निकालते हैं।
आप देख सकते हैं कि निकालने के लिए हमने तार अब आगे की तरफ से निकाल लिया हूँ, और ये अंदर की तरफ से हम ऐसे की को खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये की बाहर आ चुका है, ये इसका पॉइंट है, चार पॉइंट वाले। ये किसी भी हीरो होंडा के बाइक से आप इसी तरह की बदल सकते हैं और अपने बाइक को चोरी होने से बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा हम की लगाते हैं। आप देख सकते हैं हमने ये की बाजार से दुकान से लेकर आए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा होगा स्प्लेंडर प्लस फैशन प्लस, ये दोनों बाइक में ये की लग सकता है। ये 210 रुपये का हेवी क्वालिटी का की है, तो इसको हम अनबॉक्स करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है की, ये की और ये इसका चाबी, ये इसका वायर आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही फोर पॉइंट वाला, और ये लॉक इसका और ये चाबी। इसको ऐसे हम लगाएंगे, आप देख सकते हैं ये ऑन ऑफ, और ये हो जाएगा लॉक। यहाँ से लॉक का निशान ये निकल गया, आप देख सकते हैं ये लॉक ऑफ कर दिया, ये अंदर चला गया, ऑन, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लॉक बाहर आ गया, अब इसको घुमाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा। इसी तरह ये लॉक हो गया, अब इसको हम इसी तरह लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे निशान दिया हुआ है एक एल की और दूसरे एल की का इधर टाइट करने के लिए, उसी तरह हम ऐसे लगाएंगे और नीचे से एल की टाइट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये जो लॉक सिस्टम है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, ये लॉक सिस्टम है वो बिल्कुल हैंडल के आगे की तरफ होगा, पीछे जिधर हमारा लॉक होता है ऐसे, यानी कि ये लॉक सीधा पीछे की तरफ रहेगा। तो इसको ऐसे करके हम लगाएंगे, जो भी वायर हो आगे पीछे करके यहाँ पे सेंट्रल मिलाकर हम इसको एल की वाले जगह पर बैठा देंगे। ये बैठ चुका है, अब इसका एल की हम टाइट कर देते हैं। ये एल की नट, इसको हम टाइट करते हैं दूसरा साइड। इसको मिलाकर इसका जो होल है, चूड़ी है जो टाइट होता है, इसको मिलाकर एक बार इसको फंसा ले, उसके बाद इसको टाइट करें दोनों एल की। दोनों एल की हम लगा लेंगे, इसी तरह इधर भी मिला लेंगे हम लगाकर, इधर भी एल की हम मिलाकर लगा लेंगे। ये लग चुका है, अब इसको हम एल की के सहारे टाइट कर देंगे। अब ये एल की नट जो है इसको हम टाइट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह जिस तरह खोले थे। टाइट करने में दिक्कत होगा लेकिन ये टाइट करेंगे तभी चलेगा, इस तरह थोड़े थोड़े करके टाइट कर लें। थोड़ा दिक्कत वाले जगह पे है टाइट करने के लिए लेकिन इसी तरह टाइट होता है, आपको थोड़ा कठिनाई होगा टाइट करने के लिए, लेकिन ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये कोई मेहनत वाली काम नहीं है। इस तरह ये टाइट हो चुका है, अब इसका हम, अब हमने जो ये बाहर निकला था ऊपर से, इसको वापस लगा देंगे। ये नीचे का रड जो है ये भी निकला है, इसको इसके जगह पे हम फंसा देंगे।
हमने ये जो नट खोला था छोटा छोटा, इसको हम वापस टाइट कर देंगे। इसको अच्छी तरह टाइट कर देंगे, दूसरे साइड भी इसी तरह टाइट कर देंगे हम। इसको भी अच्छी तरह टाइट कर देंगे। तो इस तरह ये लग चुका है, ये की हमारा ये बिल्कुल ही लग चुका है। अब इसका की का जो हमारा पॉइंट है उसको हम ज्वाइंट कर देंगे। आप देख सकते हैं की का पॉइंट आपको दिखा देते हैं, ये की का पॉइंट है और ये बाइक वाले पॉइंट है, जो दोनों एक साथ लगेंगे। आप देख सकते हैं ये जो हमारा ये लॉक निकला होता है, इसको लॉक में फंसा देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही इसी तरह, इस तरह लेके और इसको हम आसानी से इसको फंसा देंगे। आप देख सकते हैं ये फंस गया और इसको अंदर कर देंगे ताकि कोई नहीं निकाले। अगर ये पुराने बाइक में ऐसा सिस्टम आता है, अगर इसको हम निकाल देते हैं तो बिना चाबी का स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हॉर्न नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। बिना चाबी का स्टार्ट हो जाएगा, बंद भी नहीं होगा, गियर के साथ बंद करना पड़ेगा। तो इसको अंदर करके रखें ताकि कोई निकाल ना पाए। अब इसके हेडलाइट को हम वापस टाइट कर देंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने खोला था। कर देंगे इस तरह, ये लॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये हो गया अन। अब इसको लॉक करते हैं, ये अन ऑफ करके अंदर की तरफ दाब कर इसको लॉक कर दे। आप देख सकते हैं ये लॉक हो चुका है, फिर इसको अंदर की तरफ दाब के खोल दें, ये अन हो गया, ऑफ हो गया, बिल्कुल ही काम कर रहा है। आवाज भी आप सुन चुके होंगे, बिल्कुल नए की तरह हो गया। अब इस बाइक को कोई चोरी करने से कतराएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।